अरवल जिले के वासलपुर मोहल्ले में कोरोना टीका लेने के बाद भी एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने NH-139 जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले ही मृतका को कोरोना का टीका लगाया गया था, जिसके बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि लोगों का कहना है कि मृत महिला पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के चौडली गांव में बीते 15 मार्च से लापता बच्चे का पता अब तक पुलिस नहीं लगा पाई है। परिजनों ने बेलदौर थाने में इस मामले की जानकारी दी थी। परिजनों का कहना है कि करीब 27 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अपहरण किए गए बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके बच्चे का अपहरण कर लिया है। मुड़ो का बेटा छोटू, वो हमको आकर के चारों तरफ रोड के साइड में हम खड़ा है, मैं अपना खेती के पास में, वो आकर के मेरे चारों तरफ घूम के देख रहा था। हाँ, तार बिहार हमको कर रहा था। हाँ, वहाँ से देखते देखते 10 कदम बोल करके चला गया, वहाँ फिर भी वहाँ खड़ा होकर के मेरी नजर पे, उसका बाद मेरे बच्चा घूम है, उस पर मेरा भरोसा है कि वही मेरा बच्चा लेके गया है। पश्चिम बंगाल में विकास के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी अपने दिए गए बयान को लेकर घिर गए हैं। सुशील मोदी के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए या बिहार के लोगों को 20 लाख नौकरियां रोजगार नहीं दे पाएंगे। दरअसल सुशील मोदी ने बंगाल चुनाव को बिहार से जोड़ते हुए कहा था कि पड़ोसी राज्य में बदलाव होने से बिहार के विकास में मदद मिलेगी और बिहारी मूल के लाखों लोगों को वहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।